नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज मॉन्गर। तो चलिए दोस्तों, आज की 10 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो यूपी में दम तोड़ती सड़कों की रिपोर्ट, तो लखनऊ में सड़क धसी, काशी में गड्ढों की गिनती मुश्किल, आगरा में राहगीरों की हड्डी टूट रही, तो प्रदेश में 7 माह में 12,000 से ज्यादा हुई मौतें। काबुल हमला अमेरिका की भयंकर भूल थी, तो आतंकियों के शक में किए गए ड्रोन हमले में 7 बच्चों समेत 10 अफगानी मारे गए थे, अमेरिकी सेना ने माफी मांगी। माँ बाप के अंधविश्वास ने छीनी बच्चे की जिंदगी, तो 1.5 साल के मासूम को सांप ने काट लिया था, इलाज के बजाय करवाते रहे झाड़फूंक, तड़प तड़प कर राघव ने तोड़ दिया दम। यूपी बोर्ड 10वीं 12वीं की इंप्रूवमेंट परीक्षा आज से शुरू, तो एसटीएफ की निगरानी में रहेंगे 75 जनपदों के 590 परीक्षा केंद्र, तो 80,000 स्टूडेंट होंगे शामिल। पंजाब के सीएम की कुर्सी को खतरा, तो कैप्टन से नाखुश 40 MLA की चिट्ठी के बाद आज विधायक दल की बैठक, तो सोनिया से मुलाकात के बाद हरीश रावत ने किया ट्वीट। न्यूजीलैंड पाक सीरीज रद्द, तो पाकिस्तान के होम मिनिस्टर बोले मेहमान टीम को होटल के बाहर हमले का था डर, इंग्लैंड ने कहा हमने जो है दोस्तों दखल नहीं दिया। शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अलग धर्मों के बालिग जोड़े को पसंद का जीवन साथी चुनने का हक, माता पिता भी दखल नहीं दे सकते। सपा MLA के ट्रैफिक पुलिस से गुंडागर्दी, तो कानपुर के विधायक की पुलिसकर्मी से 2 मिनट नॉन स्टॉप अभद्रता, बोले होश में रहना वर्दी गिरी घुसेड़ दूंगा। GST काउंसिल के अहम फैसले, तो कोविड और कैंसर की दवाएं हुई सस्ती, तो लेकिन ऐप से जो है खाना मंगाने में 5% टैक्स लगेगा, आइसक्रीम भी महंगी पड़ेगी। पीएम मोदी के जो है 71वें जन्मदिन पर रोशन हुई काशी, तो भारत माता मंदिर में जलाए गए 71,000 दीपक, विश्वनाथ मंदिर में किया गया रुद्र यज्ञ, तो माँ गंगा को चढ़ाई गई 71 मीटर लंबी चुनरी। तो दोस्तों, रेगुलर न्यूज़ अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।